हेलो भाई, वेलकम टू मॉड्स माफिया। आज हमारे पास ये गाड़ी, आप देख लो ये नंबर ना, पहले भी आपने देखा होगा। ये गाड़ी पिछली बार आई थी जब, तब हमने इसमें क्रूज़ कंट्रोल और ये टॉप मॉडल की लाइट्स वगैरह चालू करी थी। यही वो गाड़ी है जहाँ से पहली बार हमने क्रूज़ कंट्रोल का वीडियो डाला था कि ऐसे लगाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ऑटो फोल्ड वाले में बताया था कि एक भाई हमारे हैं, उनको ना ऑटो डिमिंग की बहुत चाह है, क्योंकि वो नाइट ड्राइविंग ज़्यादा है, इस चक्कर में उनको ऑटो डिमिंग चाहिए था, क्योंकि उनकी प्रीवियस गाड़ी बलिनो है तो बलिनो में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अभी हमने इसका काम शुरू किया हुआ है, तो मैंने ये हटा दिया है, जो उनका पहले मिरर आता था वो हटा रखा है, और उसकी जगह पे मैं ऑटो डिमिंग मिरर डाल रहा हूँ। अच्छा, ऑटो डिमिंग मिरर का मैं बता दूँ, ऑटो डिमिंग मिरर जो बेसिकली हम जो इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो GT लाइन का नहीं है, वो इम्पोर्टेड ही है, दैट इज़ नॉट मेड इन चाइना। ये है, आप क्वालिटी देख सकते हो, ये हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपकी सियाज, बलिनो और भी हाई एंड गाड़ियाँ जितनी भी, मैं मतलब बलिनो और सियाज इतनी हाई एंड तो नहीं कह सकते, लेकिन मारुति के हिसाब से वो हाई एंड ही है। तो क्रेटा हो गई या आपकी और भी गाड़ियाँ हैं जिसमें इस तरह का सिस्टम आता है ऑटो डिमिंग। ये इसमें फ्रंट में सेंसर लगा हुआ है, और ये बैक में इसकी एयर निकलने के लिए, और ये बैक सेंसर है। इसका जो सॉकेट है वो सॉकेट हमने स्पेशली बोल के ही, क्योंकि इस जब हमने ये परचेज़ किया था उनके पास ये सॉकेट अवेलेबल नहीं था, और फिर हमने ये बोल के उनसे लगवाया है, और ये आप देखेंगे तो ये परफेक्टली इसके अंदर फिट हो जाता है। ये देखिए, ये फिट हो गया, ये फिट हो गया। ये जो भाई दिख रहा है यहाँ पे, पहले एक्चुअली फास्टैग लगा हुआ था, तो भाई ने ये हटा के पीछे लगा दिया, तो इसका इससे कोई लेना नहीं है। और ये आपका पुराना मिरर है, ये इसमें मैनुअल तरीके से आता है, ये ऐसे करते हैं तो ये डिम हो जाता है, और ये ऐसे करते हैं तो ये नॉर्मल मैनुअल मिरर है, तो ये ब्लैक नहीं पड़ता। अब इसकी बात करें, जो वायर है, ये वायर हमारी ऊपर आएगी, और अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, यहाँ पे ना ऑलरेडी होल बने हुए हैं इसके अंदर, जहाँ से हम वायर को ना अंदर ले जा सकते हैं, ये होल बने हुए हैं। और ये वायर को क्लिप करने के लिए ये भी मॉड्यूल उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं क्वालिटी बोलूँगा, एक्चुअली क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये हम लोग अभी इसके अंदर फिट करने वाले हैं। और वायर वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कई गाड़ियों में हम लोग को करंट यहाँ से टैप करने वाले हैं, हम इसके कपलर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो करंट हम लोग यहाँ से टैप करने वाले हैं। और जिन गाड़ियों में ये नहीं लगा हुआ है उसके लिए इसमें ऑलरेडी काफ़ी लंबी वायर है, आप लोग देख सकते हो, इसको हम डायरेक्टली फ्यूज बॉक्स में ला के कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू कर रहे हैं, और इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसका एक बार वर्किंग कैसी है हम वो भी देखेंगे, और ओनर का एक बार रिव्यू भी लेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ये ST के मॉडल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें मैंने क्रूज़ वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके दिया था। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर फोल्ड सिस्टम नहीं आता है, तो आज हम इसके अंदर ST के वेरियंट में फोल्ड सिस्टम भी हम इसके अंदर करके देंगे। तो भाई अब हम इसका काम शुरू कर रहे हैं, हम भी पैनल चेंज नहीं करेंगे, हम इसके अंदर आज कटिंग करके ही डालने वाले हैं स्विच। तो इसका काम हम शुरू करते हैं, और काम ख़त्म होने के बाद इसका हम पूरा देखेंगे रिव्यू कि कैसा आ रहा है, ये कैसी वर्किंग कर रही है, और ये कैसा वर्क कर रहा है। भाई इसका काम सारा कंप्लीट हो गया है, तो भाई मैंने ऑटो डिमिंग लगा के दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। अब मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही पीछे से आपकी रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता भाई, जैसे ही आपकी रोशनी पड़ेगी, आप देखिए ये फ्रंट से रोशनी पड़ी, और इस ये फोटो सेंसर पर काम करता है, और ये बैक सी हटाया, ख़त्म, ये देखिए ब्लैक हो रहा है, हटा। इसके पीछे का फिनोमेना क्या है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ही पीछे से रोशनी आती है ना, क्योंकि अभी देखेंगे बाहर ना काफ़ी रोशनी है, तो ये पीछे फोटो से, इसका जो फोटो सेंसर है ना वो बेसिकली इस रोशनी को इस हिसाब से ले नहीं रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कोई लाइट जल रही है, लेकिन जैसे रात हो जाती है तो रात के समय क्या होता है, इसको पता है कि पीछे की रोशनी डिम है, और हमारी बैक साइड से मतलब रेयर ग्लास से
हाई बीम पड़ रही है इसके ऊपर, जैसे ही हाई बीम पड़ेगी ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा शीशा। भाई ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, क्योंकि पहले इसमें क्या था ना, इस वाली पोजीशन पे एक मैनुअल क्लिप टाइप की चीज़ थी जिसको हम ऊपर नीचे करते थे, तब ये शीशा अपने आप ऊपर नीचे करता था। ये देखिए ये ऐसे, मतलब ये बहुत ही यार अजीब लगता था, मुझे भी ना बहुत ही अजीब लगता। मैं तो अपनी गाड़ी में GT लाइन का डालने वाला हूँ, तो GT लाइन का भी दिखाएंगे हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल देखो फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आई है, देख लो कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से परफेक्ट फिट है। और ये देखो बैक सेंसर परफेक्ट काम कर रहा है, हटाया वापस से सेंसर सही हो गया। अच्छा सेकेंड हमने जो इसके अंदर किया है वो है आपका ये बटन, आप देखना इसको दबाया, ये HT के मॉडल है, उधर भी देखो ये हमने चालू करके दिया है भाई, ट्रिम चेंज नहीं किया है हमने, इसमें ही कटिंग किया है, कटिंग भी भाई देखो कितनी सफाई से कर रखी है। और बिल्कुल वैसे भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर आते हैं, वैसे तो हमारे ओनर साहब हैं उनको यह था कि यार भीड़ में चलाते हैं ना तो शीशा नीचे शीशा डाउन करके फिर इसको बंद करना पड़ता है, तो यार मेरे में ना फोल्डेबल मिरर कर दो, तो मैंने फोल्डेबल मिरर ये चालू करके दिया, ये लॉक अनलॉक पर भी काम करते हैं। तो भाई मैं सच बताऊं मेरे को ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा, मैं आने वाली कई गाड़ियों में ना मैं सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, हमें कॉस्ट करा है 7,500 रुपये इंस्टॉलेशन के साथ। जो ओरिजिनल GT लाइन आता है वो मिरर ही मिरर केवल 18,000 रुपये का है। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा था कि भाई देखो, एक तो उसमें तीन बटन आते हैं यहाँ पे, एक वो तीनों ही बटन आपकी गाड़ी में काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, सर ने भी मेरे को बोला GT लाइन का चाहिए, मैंने कहा यार इतना आप पैसा लगाओगे 18,000 रुपये और वो तीन बटन भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑटो डिमिंग काम करेगी, तो बेटर यही रहेगा कि आप ये वाला डलवाओ, इट इज़ कोरियन मेड, इम्पोर्टेड है, एक महीना लगा इसको यहाँ तक आने में। इसके कई सारे आफ्टर मार्केट चाइनीज़ वर्जन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है और ये लंबा चलेगा, ये कोरियन मेड है ये लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी कंपनी 1 साल की वारंटी रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। तो भाई मैं फिर भी ये बोलूँगा, जिसको भी लगवाना है ऑटो डिमिंग, गो फॉर दिस वन, क्योंकि टॉप मॉडल का चालू होगा, परफेक्ट चालू होगा, वो मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अभी मेरे, तो बेसिकली मैं लगा के दिखाऊंगा, वो भी ऐसे ही काम करता है, फोटो सेंसर उसमें यहाँ पर दिया हुआ है इस वाली पोजीशन पे। और भाई राजीव भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज भाई बेसिकली क्या था, सारे रास्ते बंद हैं, तो गुड़गांव से यहाँ तक सारा सामान लेके आना बहुत टफ जॉब थी, मतलब इनको आने में नॉर्मली 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन आज इनको 3.5-4 घंटे लगे हैं, हमने 11 बजे से काम कर रहे हैं, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, एक छत्तीसगढ़ वाली और आज एक ही है राजस्थान वाली। भाई भी हमारे आप कैसे आए राजस्थान से यहाँ तक वो भगवान ही जाने, बहुत ज़्यादा उनको ये लग रहा था जगह जगह बैरिकेडिंग हो रखी है, कैसे आऊँ कैसे आऊँ, लेकिन फाइनली पहुँच गए और फाइनली वो खुश होकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये फीचर चाहिए ही चाहिए था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये फीचर इंस्टॉल कर दे, क्योंकि रात में उनको ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ और नया मॉडिफिकेशन आपको दिखाएं जो हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है भाई हम इस वाली पोजीशन पे आपका एयर प्यूरीफायर डाल दें, बहुत जल्द ही, मैंने अपनी गाड़ी में चालू करके देखा था, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बहुत जल्द हम ये डालेंगे। और मोस्ट अवेटेड फीचर ऑटो AC, जिस पर मेरी ऑलरेडी बात चल रही है और प्रोटोटाइप हमारे पास है, उसको साथ बैठ के हमने काम सब कुछ कर रहा है, गाड़ी में कैसे बिहेव करेगा वो लगने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली विद इन 20-30 डेज हम लोग लगाना शुरू करने वाले हैं, उससे पहले R&D कम्प्लीट हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि लगने के बाद किसी में कोई प्रॉब्लम आए, तो R&D कम्प्लीट होने के बाद ही हम उसको लगाएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर अपडेट्स, मोर मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू गाइस।